अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के संभागीय मुख्य अभियंता MB पालीवाल ने सोमवार को विद्युत उपभोक्ताओं और आम नागरिकों की विद्युत संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए हाथीबाटा पावर हाउस जयपुर रोड अजमेर में जन सुनवाई की। संभागीय मुख्य अभियंता ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 8 शिकायतें डिस्कॉम से और 9 शिकायतें टाटा पावर से संबंधित थी। प्राप्त शिकायतों में डिस्कॉम क्षेत्रों की बिल संबंधी, नए कनेक्शन संबंधी, लाइन शिफ्ट करवाने के संबंधी, मीटर संबंधी कनेक्शन शिफ्ट कराने समस्या सहित अन्य समस्याएं थी। उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई एवं निवारण हेतु प्रत्येक सोमवार को हाथीपाटा पावर हाउस में जन सुनवाई की जाती है। ये हमारे MD साहब ने आते ही नवाचार शुरू किया था और उसके तहत हर सोमवार को यहाँ MD साहब या उनके अनुपस्थिति में मेरे चीफ इंजीनियर द्वारा जन सुनवाई की जाती है। आज 12 प्रकरण आए हैं, जिसमें से अभी जन सुनवाई चल रही है, जो भी और आने आएंगे, जिसमें से 6 प्रकरण बिल से संबंधित हैं, जो टाटा पावर से संबंधित है तो उनको निर्देश दे दिए हैं ठीक करने के लिए। 2-3 प्रकरण कुएं के कनेक्शन से संबंधित थे, तो चूंकि डार्क जोन में है तो उनको संबंधित प्रमाण पत्र के लिए कहा गया है, और 2-3 प्रकरण VCR से संबंधित है, जिसमें नियमानुसार जो भी योजना के तहत छूट संभव है उसके लिए कहा गया है और उसका निराकरण करने के लिए कहा गया। खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।